हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो देखिए, आज सुबह का टाइम है, 4 बज चुके हैं और आज हमारी श्री राधा रानी का जन्मदिन है। आज राधाष्टमी है और मैंने उठ के इनको अभी इनको मैं नहलाऊंगी, इनका अभिषेक करूंगी। तो फाइनली मेरा सामान रेडी हो गया है पूजा करने के लिए और हम करते हैं अपनी राधा रानी का पंचामृत से अभिषेक। फाइनली मेरी राधा रानी रेडी हो चुकी है और आपको दिखाते हैं इनका सिंगार। और ये मैंने कल थोड़ी सी डेकोरेशन करी थी। और अब इनको हम झूला झुलाते हैं। जय श्री राधे राधे राधे। अब मैं पढ़ूंगी राधा चालीसा और उसके बाद हम भोग लगाएंगे राधा रानी को और कान्हा जी को। तो इसके बाद अभी उठ गई हैं और मैं चाय बना रही हूँ। चाय बना के फिर हम साथ ही चाय पीते हैं, सुबह की चाय हम साथ ही पीते हैं और फिर मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ, खाना बनाना। तो हमने राधा रानी को सुबह भोग लगाया था और अब फिर से हम उनको परांठा और अरबी की सब्जी जो उन्हें बहुत अच्छी लगती है, माखन मिश्री और लस्सी। मेरी राधा और कान्हा को आलू का परांठा बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उनके लिए आज आलू का परांठा बनाया है और मैं भोग लगाऊंगी अभी उनको। तो मैंने अभी बनाया है राधा और कान्हा जी के लिए, मैंने खिचड़ी बनाई है और मैंने इसके ऊपर मक्खन डाल दिया है। अभी 1:30 बज रहे हैं तो इनके ये दोपहर का भोग लगा रहे हैं इनको। देखिए, राधा अष्टमी पर जितने भोग आप लगाएं उतने ही वो कहते हैं ना कम पड़ जाते हैं उनके लिए, लेकिन आप अपने प्रेम भाव से लगाइए तो राधा रानी हर चीज़ को अर्पण कर लेती है, हर चीज़ को खुशी खुशी ग्रहण करती हैं। तो अपने मन से अपनी खुशी से आप कुछ भी बनाएं उनके लिए तो खुशी खुशी पालेंगी। हमारी श्री राधा रानी बड़ी दयालु बड़ी कृपालु हैं। तो अभी हम इनको भोग लगाते हैं खिचड़ी का। तंशु साथ चलो बेटा। ढंग से चल लो। तारक
कोई बात नहीं बेटा, पानी तो गिरा है ना। सुनो तनशु, कल आपके लिए एक सरप्राइज है। आपने अच्छे से पढ़ाई की ना, इसलिए नहीं। हम ट्यूशन से आ चुके हैं। हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर दो। बाय। तो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे शाम की आरती अपनी श्री राधा रानी की, और फिर दोबारा से हम राधा चालीसा पढ़ेंगे। राधा चालीसा पढ़ना बहुत अच्छा होता है, आप भी ऐसे पढ़ सकते हैं। ये मार्केट से बुक मिल जाएगी आपको इजीली, और आप भी इसका पाठ कर सकते हैं। बहुत ही शुभ अच्छा होता है इसका पाठ करना। राधा रानी हमारी बहुत जल्दी खुश हो जाती हैं। या तो आप राधा नाम की जो माला जाप कर सकते हैं, या राधा चालीसा पढ़ सकते हैं आप। इस दिन किया हुआ पाठ जो चालीसा है बहुत ही अच्छा होता है। तो अब हम करते हैं इनकी शाम की आरती। जय श्री राधे। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा माता।